हेलो दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं कालका रेलवे स्टेशन। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हम जा रहे हैं आज खाटू श्याम। तो अभी हमारी ट्रेन है यहाँ से करीबन 11:55 पर चंडीगढ़ के लिए। अभी हम हैं कालका रेलवे स्टेशन पे और फिलहाल हम जा रहे हैं चंडीगढ़, और हमारी जो अगली ट्रेन है वो है सुबह 5:30 बजे। तो फिलहाल हम अभी जा रहे हैं अपने ट्रेन में, और यहाँ से कालका हावड़ा हमारी ट्रेन जाती है चंडीगढ़ के लिए, तो फिलहाल हम वहीं जा रहे हैं। देखिए गाइस, ये कालका रेलवे स्टेशन है यहाँ का, जो यहाँ पे शिमला के लिए भी यहीं से ट्रेन जाती है। ये देखो एक ट्रेन खड़ी हुई है, अभी अभी शिमला से आई है अभी ये, तो हमने अपनी टिकट भी करवा ली है। और ये हमारी ट्रेन लगी हुई है यहाँ पे कालका हावड़ा एक्सप्रेस, जो अभी आधे घंटे बाद यहाँ से निकलने वाली है। तो हम अपने ट्रेन में ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। और ये एक शताब्दी खड़ी है जो न्यू दिल्ली से आई है, अभी ये सवेरे वापस आएगी। ये खड़ी अपनी ट्रेन। तो बाकी गाइस, हम मिलते हैं आपको खाटू श्याम में, और यहाँ की पूरी जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। ये देखो गाइस, ये ट्रेन हमारी लगी हुई है यहाँ पे अभी। हाँ, दो होते हैं स्लीपर में, दो दरवाजे होते हैं और जनरल में तीन होते हैं दरवाजे। उसमें 3 वाले में पता क्या ज्यादा रश होता है, ठीक है, और 2 वाले में क्या सीधा सीधा होता है, पता ही है। और सुना फिर जाए। तो गाइस, आप इन दोनों को तो पहचानते होंगे, इसका नाम है दीपक और इसका नाम है सनी। बाकी इसका तो पता ही है आपको, मिस्टर अभिषेक। तो गाइस ये देखो, अभी हम इसमें जाने वाले हैं, क्योंकि ये खाली हमारे से आधे घंटे का रास्ता है, तो हम इस पर आराम से निकल जाएंगे। हमने ज़्यादा लंबा टूर नहीं हमारा, इसके अंदर आधे घंटे में हम अपने चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। ठीक गाइस, हमारा ट्रेन का लोकोमोटिव वो रहा WAP 7। आ जाओ लोकोमोटिव, आपको लोकोमोटिव दिखा देते हैं। तो गाइस, ये हमारा WAP 7 का लोकोमोटिव लगा हुआ है, और फिलहाल हमारी जो ये ट्रेन है वो 11:55 पे यहाँ से निकलेगी। तो इस वाले में वहाँ हम बैठेंगे। कोई भी ट्रेन चलने के लिए तैयार हो रही है, बस सिग्नल का वेट हो रहा है। 2 मिनट रह गए, और ये अपना ये रेलवे स्टेशन है, कालका रेलवे स्टेशन। अरे फॉग नहीं है, लेकिन मौसम सही है। हाँ भाई, तो बाकी गाइस हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, वो तो खड़े हैं, सीट नहीं है इसके अंदर, आधे घंटे का रास्ता है, कैसे भी निकाल। हम जानबूझ के खड़े हैं, बाकी कैसे लगा रहा हूँ सीट मिल सके भाई। देखो भाई, अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। कहाँ है वो? गए हो गए? और यार ऊपर बैठ जाओ, सीट खाली पड़ी है यार, और क्या बाद में सीट नहीं मिली, बाद में सीट नहीं मिलेगी, क्या पता क्या हुआ। टिकट ले लिया तेरी, टिकट ले लिया किसके? किसने ले लिया? किसने ले लिया पता नहीं, पैसा चेंज हो गया, उसके बाद में टिकट था वो चोरी हो गया। अच्छा अच्छा, मैं जनरल डब्बा है, इसमें इतनी भीड़ नहीं है, वैसे खाली बना ऊपर बैठे नहीं है, गियर फंस रहे हैं। गियर फंस रहे हैं, गियर क्लियर का भाई। इसको मस्ती चली रही है, मतलब सेकंड टाइम ये लॉन्ग जर्नी कर रहा है हमारे साथ में, मतलब पहले कभी, मतलब एक बार इसने ट्रेन में जर्नी किया लॉन्ग वाली। इसको हम ट्रेन का एक्सपीरियंस देंगे पूरा बनारस का। बाकी दूसरी बार हमारे साथ जा रहा है, बाकी हम दोनों तो घूमते हैं इसका भाई मध्य प्रदेश, मेरा तो भाई पता ही है आप लोगों को सबको। तो भाई चलो देखते हैं कैसा सफर करता है। चलो भाई, अब मिलते हैं आपसे चंडीगढ़ में।
तो भाई हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे जो कि है चंडीगढ़ जंक्शन। तो अभी हम स्टेशन पे एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे कोहरा बहुत है भाई, हमारे वहाँ कोहरा नहीं बिल्कुल भी, फॉग हुआ है भाई यहाँ पे ठीक ठाक, रश भी बहुत ठीक ठाक है, पैसेंजर बहुत ज़्यादा हैं। हाँ लगा रखी गई तो अभी तो अभी दूसरी पर लगी हुई है काफी, चल आ जाता हूँ कराते हैं। चलो भाई जाओ भाई, कल भाई हम पहुंच गए हैं अब चंडीगढ़ पे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अब चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे थोड़ा कोहरा है और तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ और इस ट्रेन से अभी हम निकले हैं और ये चल जाएगी अभी हावड़ा की तरफ, ये हावड़ा चली जाएगी और अपनी दूसरी ट्रेन जो सुबह 5:40 पे खाटू श्याम वाली ट्रेन है वो हमारी यहाँ पे लगी हुई है। ये रही गाइस ये ट्रेन, तो हमारी बोगी नंबर S5 में हमारी जो सीट है और ये ट्रेन जाती है बांद्रा तक और ये ट्रेन है बांद्रा। और अभी फिलहाल यहाँ धुंध पड़ी हुई है, बस हमारी साइड तो धुंध नहीं थी, अपने कालका का मौसम वैसे भी बहुत अच्छा है, गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो सबसे बेस्ट है अपने कालका का मौसम। तो ये है गाइस हमारा डिब्बा S5 चंडीगढ़ बांद्रा का और अभी जो है यहाँ पर इन्होंने दरवाजे खोल नहीं रखे हैं, शायद हो सकता है 2-3 घंटे पहले खोलते हो। नहीं नहीं तो गाइस जो आज की हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 22452 में बांद्रा से, ये चंडीगढ़ से बांद्रा टर्मिनस तक जाती है और हम जर्नी करने वाले हैं रिंगस रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ से जो कि खाटू श्याम से, वहाँ से खाटू श्याम लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी हमारी ट्रेन तो लगी हुई है बट ये दरवाजे इसके खुले नहीं है, तो हो सकता है 1-2 घंटे बाद हम इसमें बैठ सके बट अगर अभी खुला होता तो हम बैठ जाते मज़े से। बाकी गाइस ये देखो सब मज़े कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ थोड़ी सी धुंध है, बाकी हमारे कालका में इतनी ठंड नहीं थी इस टाइम पे, हमें ठंड लग रही है मैं हाँ। टोपी लगा ली, ये देखो भाई साहब इसने टोपी लगा ली, इसको ठंड लग रही थी। तो बाकी गाइस चलो यहाँ पे थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा हमें, तो 1-2 घंटे यहाँ निकालते फिर जैसे ही ट्रेन के डोर्स ओपन होंगे हम जाके वहाँ पे सो जाएंगे मजे से और फिर अगले दिन हम 1:20 पे पहुँचेंगे हम रिंगस रेलवे स्टेशन पे। गाइस अभी हम जाएंगे बिजली वाली सीढ़ी पे, नीचे उतरेंगे। ये भैया एक कैसे नीचे उतरती है अपने आप ही, बाहर जाना है, बाहर थोड़ी जाना हमने, बाहर थोड़ी जाना हमने, बाहर जा रही है, बाहर करना फिर नीचे से क्या अंदर अंदर रहेगा, क्या अंदर रहेगा, चल लेते ऊपर जाना तो है ही हमने बिजली वाली में, तो चलो फिर ले भाई कोई नहीं। देखिए कौन आया तो गाइस ये देखो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन इस टाइम बिल्कुल ही खाली पड़ा है, आगे दूर दूर तक आपको थोड़े बहुत ही बंदे दिखाई देंगे जिसका कारण बहुत बड़ा कारण है ठंड, दूर दूर तक कोहरा ही कोहरा हमारे साथ। तो गाइस ये है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का वॉशरूम, देखिए काफी क्लीन है और बाकी ये दोनों मुने और देखो यहाँ पर कितने क्लीन है, काफी क्लीन है, अच्छा लगा। तो गाइस अब हम पीने आए यहाँ पे चाय, एक टाइम मिलती है तो क्या है भाई चाय पीनी तुमने, यार बंदा ही बैंक आ गया बंदा
पल्ली साइड मिलेगी, आ जाए पल्ली साइड, वो पल्ली साइड मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे मशीन वाली चाय मिल रही थी, तो मशीन वाली चाय अच्छी मिलती है। तो भाई ये क्या है, बंदे की चाय पीनी है, बंदे की चाय पीनी है या मशीन की चाय? तो ये कह रहा है कि बंदे की चाय पीनी है, पर मैं बंदे की बनाई हुई चाय पीऊंगा जो बंदे द्वारा बनाई गई। तो वो मिलेगी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, बंदे की चाय हम इन दोनों के लिए रख देंगे। यहाँ ये भैया इसका ड्राइवर कहाँ है भाई? नहीं इसका रिमोट वो कहाँ गया? तो ये भाई मेट्रो के लिए तैयारी हो रही है मेरे ख्याल से। हाँ मेट्रो स्टेशन बनाया चंडीगढ़ में, यहाँ पे भाई मेट्रो बनने वाली है, यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, पिछले साल भी चल रहा था, बाकी साल भी चल रहा। वहाँ यार आगे वो देखो पूरे ला दिया, वो साहब झूठे लेने का इसको चला ऊपर, ऊपर झूठे लेने के लिए बंद है यार। चाय टपरी, चाय की टपरी, ये तो वही है। एक का रेट तो 15 रुपए, तो गाइस यहाँ पे हम चिप्स ले रहे हैं, चाय तो हमें मिल रही है, मशीन वाली मिल रही है, वो हमने पीनी नहीं है भाई। छोले चावल भी हैं। तेरा दिल नहीं भरा छोले चावल खा के अभी तक? और ते रखा थे खाने छुपा के। हाँ भाई ते खाने में क्या क्या रखा होता है? लो जनाब ये पकड़ो बंदे आप, और ये पकड़ो आप, एक मिनट होल्ड करना है बस। तैयारी में चलाओ भाई। वो बाबे वाला थैला लेना तने यार, यहाँ टंगना था इसको, बाद पीके बना के लाना था। पीला हेलमेट तो अंदर मिल जाएगा हमारे को, वैसे वो कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाएगा, जहाँ दे देंगे उनसे। अरे यहाँ टंग ले इसको, परसों आते हुए तने गलत जगह टंग लिया तने। चलो भाई हमें लगा गाइस। फिलहाल हमने ले लिए चाय, एक बंदा अपना चाय वहाँ ले रहा है, तो बाकी चाय पीते हो, इसको लग रही भूख, तो ये खाना अपना घर से परौठे लेके आया है, तो वो भी खाएगा। बिस्कुट खाने ना, परौठे खाने हैं, कोई नहीं आन दे उसको। ठंडे कोई नहीं, चाय तो गर्म है भाई। तो भाई ऐसा नजारा आपने कभी देखा नहीं हुआ जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, स्टेशन के ऊपर आज लाके बैठे हुए हैं। देखो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है, देखो ट्रेन खड़ी हुई है, इधर भी ट्रेन खड़ी हुई है, और सांबलपुर है, नहीं पता नहीं कहाँ। बैठ जाओ यार, कोई बात हम तो बैठे बैठते हैं। चलो भाई मजा आ रहा है आग में, है बहुत मजा आ रहा है। सच में झूठ तो नहीं बोल रहा, इतने साल हो गए आपको। हाँ बड़ी मस्त चल रही है भाई यहाँ पे, लेकिन तो गाइस सबसे बड़ी हमारी दिक्कत ये थी कि रात को हमने 3-4 घंटे निकाल दिया ट्रेन में, बट अपना जुगाड़ हुआ है आज से 9 बजे से भाई, टाइम पास हो रहा है अपना अच्छे से। ओ प्रभु 9 बजे तो ये ले रहा हूँ। और भाई
स्वाद आ रहा भैया, अच्छा टाइम पास हो रहा है, मजे ले रहा भाई, ठीक ठाक आज के। चलो भाई गाइस हम बैठ चुके हैं अपनी सीट पे और फिलहाल अभी ट्रेन खुलने में, ट्रेन खुलेगी 5:30 बजे, अभी 2:45 या 3 बजे है, ठीक है। तो हम वैसे ही आके बैठ गए हैं, काफी देर से लगे तो अब सोएंगे। बाकी उसमें देखो भाई ये स्लीपिंग बैग अपना लेके रखा हुआ है, अपनी सीट ये वाली और एक और इस साइड मिडल वाली, बट अभी कोई है नहीं तो अब कहीं भी सो जाएंगे अभी, ठीक है। तो गाइस चलो मिलते हैं हम आपको सुबह अब और पूरी जानकारी दूंगा ट्रेन के बारे में। बाकी चलो गुड नाइट। देखो बाकी ट्रेन पूरी खाली पड़ी है, कोई नहीं है, अंधेरा अंधेरा है। बिछाने की जरूरत नहीं है तो गाइस सबने सीटें अपनी लगा ली हैं और सारे सो चुके हैं, मैं सोया हूँ सबसे ऊपर, बाकी ये हमारा ठोनिया सोया है बीच में। ये भाई एक बंदा सोया हुआ स्लीपिंग बैग लगा के, देखो ये सबसे ज्यादा मजे ले रहा भाई। बस पहले आग सब आग सेकी हमने, उसके बाद भाई ठंड लगने लगी तो आगे हम सोने। ठंड पहले ऊपर सोया था, ऊपर से नीचे आ पहले यहाँ सोया था, सीट गर्म कर ली, फिर इसको याद आया मेरी सीट नहीं है, फिर नीचे आ गया। भाई चल टाइम से याद आ गया, टाइम से याद आ गया भाई, दिक्कत आ जाती है। बाबा एक नीचे की सीट होनी चाहिए ना। चल ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, गर्म हो जाए। क्या नुकसान है, ठंडी होती रहेगी नीचे से। नहीं वहां से नीचे नीचे वाले को नुकसान है भाई वो। तो गाइस मैं सोया हूँ ऊपर और चलिए सोते हैं, फिर सुबह मिलेंगे हम आपसे, तो गुड नाइट गाइस। हाँ भाई नींद होगी पूरी तेरी, भाई भाई तुम्हारी होगी ना, तो भाई सब मैंने ड्यूटी दे दे, अब मेरी बारी है सोने की, तू सो जा भाई, गुच्छा अपने बैग पे। अपनी अपनी खबर में तो बंद हो गया, ये अपनी खबर में दफन हो गया पूरा। बाकी यार ट्रेन तो पूरी खाली पड़ी है यार, फालतू में टिकट बुक करा ले, फ्री में आते हैं आराम से आज, देखो पूरी खाली पड़ी है। नाम ही तो बोलने थे, नाम ही तो बोलने थे बस, और क्या, नाम भी तो बोलने थे, नाम बोलने थे बस, वो बात अलग थी वो मैच। तो बाकी गाइस अपनी ट्रेन अंबाला से खुल चुकी है अभी की तरफ, और लेकिन जैसे ये पहुंचेगी 1:20 पे, तो बाकी आगे का हम अपडेट आपको देते रहेंगे। बहुत ठंड है भैया, बहुत ठंड गाइस। इस ट्रेन की मैं फेयर्स की बात करूं तो ये ट्रेन चंडीगढ़ से रिंगस रेलवे स्टेशन का हमारा फेयर पड़ा तत्काल में 425 रुपीज़, वैसे 325 रुपीज़ है और एसी में 900 के करीब है। बाकी जो टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है चंडीगढ़ से अपना रिंगस स्टेशन वो 488 किलोमीटर टोटल है यहाँ पर। बाकी गाइस यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, बाकी गाइस बाहर का नज़ारा देखो, बिल्कुल ही कोहरा पड़ा हुआ है भाई साहब, खतरनाक वाला, कुछ दिख नहीं रहा। आर यू फीलिंग कोल्ड ब्रो, टिकट दे, टिकट चेक करा भाई, भाई साहब इससे निकल नहीं रहा है अभी, मैं बटरफ्लाई नहीं बना ना, कोकोनट कैसे निकल जाएगा। जाना तूने वॉशरूम वगैरह जाना है तो जाया, अलर्ट मोड एक्टिवेटेड, ये अलर्ट मोड देख, ये जाना तेरा वॉशरूम वगैरह, ओ ये अभी कहा चले जाना, अभी तो गर्मा गर्म पानी अंदर जा रहा है, देख दो गर्म गर्म पानी ठीक ठाक है यहाँ, कोहरा खतरनाक भाई, कोहरा खतरनाक है, कोहरा तो मैंने कहा था तुम्हें, कोहरा ही कोहरा होगा, वो वीडियो ऐसे नहीं बनी थी कोहरा बात। भाई देर हो गई हमारी, हमने तो रस कर लिया भाई, ये रह गया अब कर रहा है, बाकी अपना पहुंच है।
है भाई, तोड़ जल्दी फटाफट में दूध। अरे एक तोड़ दे कैसे, सिक्के से काट रहा था ना। चेन चुन खींच दे किसी ने, चेन चुन खींच दे किसी ने क्या, तू ये फुल स्पीड में ट्रेन टेरफ हो गया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनी पे, रिंगस रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन, और यहां से अब जाएंगे खाटू श्याम के लिए, बाहर से ऑटो या जो भी मिलेगा। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, काफी अच्छी धूप है और हाँ काफी अच्छी धूप है यहाँ पे, धूप हो तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि ये ब्लॉग फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जैकेट वगैरह और अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा खाटू श्याम का दर्शन कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलते हैं देखने के लिए, हमें फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।